हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विकी क्रिएशन रिव्यू। मैं आपका अपना दोस्त विकी। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे साउथ की न्यू हिंदी डब मूवी मधुरा वाइंस के बारे में। फ्रेंड्स, मधुरा वाइंस 2021 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज के कॉमेडी एक्शन ड्रामा मूवी है, जिसके राइटर डायरेक्टर जय किशोरी बंदी है और इसके लीड रोल में आपको सनी नवीन, सीमा चौधरी, सुमोहित तलमुरी जैसे कलाकार देखने को मिलते हैं। और फ्रेंड्स, इस मूवी को IMDb की तरफ से 10 में से 7.3 की रेटिंग मिली है। फ्रेंड्स, अगर मूवी की स्टोरी के बारे में बात करें तो स्टोरी शुरू होती है अजय सनी नवीन से। अजय को मथुरा नाम करके एक लड़की बहुत पसंद होती है, वो उसे शादी करना चाहता है, लेकिन इन दोनों की किसी वजह से शादी नहीं हो पाती है और मधुरा की शादी कहीं और कर दी जाती है। इसकी वजह से अजय उसके प्यार में एकदम से पागल हो जाता है, मदहोश हो जाता है और वह दारू पीना शुरू कर देता है और एकदम से खाली हाथ इधर उधर भटकने लग जाता है। और इसी के अनुसार उसको एक दिन अचानक से अंजलि, जो कि सीमा चौधरी होती है, उससे अजय को प्यार हो जाता है और वह भी उससे प्यार करती है। लेकिन अंजलि का जो बड़ा भाई होता है सुमोहित, वह उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है और वह अपनी बहन की शादी एक ऐसे शराबी से करने का विरोध करता है जो कि इसके पास कोई काम धंधा नहीं हो और सारे दिन वो शराब पीता है। अब इन तीनों के बीच में चलने वाले इसी पूरी मूवी में ये खास ड्रामा देखने को मिलता है कि आखिर इस कहानी का अंत कैसे होगा, साथ ही अंजलि के भाई ने किस तरह का फैसला किया, क्या सच में अजय और अंजलि एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे से शादी करेंगे या नहीं करेंगे। फ्रेंड्स, वो सब जानने और देखने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। फ्रेंड्स, अगर मूवी के प्लस पॉइंट की बात करूँ तो इस मूवी के जो हीरो की भूमिका निभाने वाले नवीन होते हैं, ये उनकी डेब्यू मूवी है, उनका काम अच्छा देखने को मिलता है, उनकी बॉडी लैंग्वेज, डायलॉग डिलीवरी, एक पहली मूवी में बहुत ही बढ़िया एक्टिंग देखने को मिलती है और उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से एक्टिंग भी की है। हालांकि जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है उनके जो प्लस पॉइंट है वो उनकी एक्टिंग, एक्शन सीन्स, कॉमेडी से बढ़िया देखने को मिलता है और साथ ही जो सपोर्टिंग रोल में सुमोहित होते हैं उनकी जो डायलॉग डिलीवरी, एक्टिंग, उनके हाव भाव है वो भी बढ़िया देखने को मिलते हैं। इस मूवी के जो हीरोइन होते हैं सीमा चौधरी, बहुत ही खूबसूरत दिखती है, उन्होंने अपने प्रदर्शन से अपने प्रभावित करने की कोशिश की है। खास करके जो उनके बोल्ड सीन्स होते हैं उनका जो एक्सप्रेशन है काफ़ी एंटरटेनिंग देखने को मिलते हैं। और फिल्म में हीरो के पिता की भूमिका निभाने वाले हीरो होते हैं जो पिता के साथ होते हैं उनकी दोस्त की भूमिका भी बढ़िया देखने को मिलती है और बाकी जितने भी जो स्पोर्टिंग कलाकार होते हैं उनकी भी एक्टिंग बढ़िया देखने को मिलती है। फ्रेंड्स, अगर इस मूवी के माइनस पॉइंट की बात करूं तो जय किशोरी बंदी ने एक शराबी के ऊपर में पूरी की पूरी कहानी लिखी है और इसी के इर्द गिर्द में स्टोरी घूमती है, लेकिन इसके कहानी में कोई ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को नहीं मिलता। कहानी एकदम से सीधी और सरल है। अगर इसमें कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स और कुछ रोमांचकारी सीन होते तो बहुत ही बढ़िया देखने को मिलती, लेकिन ऐसा कोई ट्विस्ट टर्न्स इस मूवी में देखने को मिलता नहीं है। नहीं तो इस मूवी की जो सिनेमाटोग्राफी है अच्छी देखने को मिलती है, नहीं इसका जो म्यूजिक है, सॉन्ग्स है, बैकग्राउंड स्कोर है कोई बढ़िया देखने को नहीं मिलता है। हालांकि अगर कहानी में ट्विस्ट होता तो ये एक अलग तरह की स्टोरी देखने को मिलती है। हाँ, इस मूवी के जो इमोशन सीन्स हैं, लव सीन्स हैं, वो बढ़िया देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, एक बार इस मूवी को देखना चाहते हो तो देख सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, आगे जो नया अपडेट होगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।